हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज हम अपने इंडियन हिस्टोरिकल फिगर में एक ऐसे हीरो के बारे में बात करने वाले हैं जिनको हमारे पाठ्यक्रम में उतनी जगह नहीं दी जितना ये डिजर्व करते थे। बिल्कुल आज हम ऐसे फॉरगॉटन हीरो के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने कई सारे प्रसिद्ध स्लोगन दिए हैं जो आज भी हम उपयोग करते हैं, जैसे कि जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बिल्कुल आपने सही समझा, हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो आज हम नेताजी की पूरी बायोग्राफी को यहाँ पर समझेंगे। वीडियो के लास्ट में 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, जो आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। तो आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन हुआ, हरिपुरा जो सेशन है कांग्रेस का उसके ऊपर चर्चा करेंगे, त्रिपुरी क्राइसिस के ऊपर चर्चा करेंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के स्लोगन के साथ, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। इसके अलावा कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं वो नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, एसएससी कोर्स और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे, तो परचम के एप्लीकेशन से आप कोर्स को और टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूजा 10 कोड यूज़ करना है जिससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आज का सेशन अगर आपको पसंद आता है और लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन इंपॉर्टेंट है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेताजी के जन्म से। तो नेताजी का जन्म एक बहुत संपन्न परिवार में होता है, 23 जनवरी 1897 में। 23 जनवरी, हाँ बिल्कुल आपने सही समझा, 23 जनवरी बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस जी की, और इसी दिन हमारे देश में पराक्रम दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। सो 23 जनवरी 1897 में कटक में, जो समय बंगाल प्रोविंस का हिस्सा था क्योंकि उस समय तक तो पार्टीशन जैसा कुछ हुआ नहीं था, तब वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म होता है। अगर इनके माता पिता की बात करते हैं तो प्रभावती दत्त बोस और जानकीनाथ बोस इनके माता पिता का नाम होता है। ठीक है, काफ़ी संपन्न परिवार में इनका जन्म होता है और इनकी इनिशियल जो एजुकेशन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो फाइनली एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं। लेकिन जब वो 10-12 साल के ही होते हैं तो जितनी भी उस समय स्वामी विवेकानंद जी की, अरविंदो घोष जी की जितनी भी बुक्स अवेलेबल होती है ना, वो सारी इन्होंने स्टडी की होती है, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से। तो आप कह सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल गुरु या आध्यात्मिक गुरु सुभाष चंद्र बोस जी के रहते हैं वो स्वामी विवेकानंद जी रहते हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कलकत्ता से ली है। ठीक है, और कलकत्ता में एजुकेशन लेने के बाद इनके जो पेरेंट्स होते हैं इनको स्टडी करने के लिए जो है वो इंग्लैंड भेजते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा एक धनवान परिवार में इनका जन्म होता है, तो बिल्कुल इन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर भेजा जाता है, इंग्लैंड में भेजा जाता है। मैं आपको बता दूं कि उस समय तक जो है भारत में जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं, जो आज हम देते हैं यूपीएससी वगैरह एग्ज़ाम, वो भारत में नहीं हुआ करते थे, ब्रिटेन में वो एग्ज़ाम हुआ करते थे और वहाँ पे इंडियंस को जाके वो एग्ज़ाम देना होता था। आज तो हमारे देश में यूपीएससी एग्ज़ाम हमारे देश में ही कंडक्ट होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आज भी यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए कितनी मेहनत लगती है और कितने बड़े पोजीशन पे व्यक्ति पहुंचता है जब इस एग्ज़ाम को, बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है। तो 1919 में, बिल्कुल 1919 में सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं, और सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देने के बाद 1920 में जब रिज़ल्ट आता है तो इनकी रैंकिंग 4th नंबर पे होती है, 4th नंबर पे इनकी रैंकिंग होती है। मतलब एक इंडियन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देने वाले एक ब्यूरोक्रेट, लेकिन वो इस नौकरी को ज्वाइन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि 1919 का समय है जब भारत में जलियांवाला बाग मैस्कर होता है और महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो भारत की कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि भारत में जलियांवाला बाग जो मैस्कर है उसके कारण काफ़ी लोग यहाँ पे गुस्से में हैं और भारत में असहयोग आंदोलन भी चल रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी जो है इस नौकरी को छोड़ दे स्वामी विवेकानंद जी ने सुभाष चंद्र बोस जी इस नौकरी को छोड़ देते हैं और वापस भारत आते हैं। भारत आने के बाद गांधी जी से मुलाकात करते हैं और गांधी जी से मुलाकात करने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। तो आपने क्या सीखा यहाँ तक? हमने यहाँ तक सीखा कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक में होता है 23 जनवरी 1897 में, प्राइमरी एजुकेशन कलकत्ता में होती है और फिर उसके बाद फर्दर एजुकेशन के लिए वो इंग्लैंड भी जाते हैं और इंग्लैंड में जाके वो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं और 4th रैंकिंग आती है, लेकिन वो नौकरी वो ज्वाइन नहीं करते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको रोष होता है, क्रोध होता है जलियांवाला बाग मैस्कर का, इसलिए भारत आते हैं, गांधी जी से मुलाकात करते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें।
अब इनकी पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत यहाँ से होती है। तो आप समझ सकते हो कि एक बहुत ब्रिलियंट इंसान, एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी जो कि सिविल सेवा की परीक्षा जिसने क्वालिफाई की है, तो आप उनका इंटेलिजेंस लेवल देख सकते हैं। इसलिए जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं तो बहुत जल्दी बहुत ऊँचे पायदान पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके जो मेंटर होते हैं, इनको जो शिक्षा देते हैं या पॉलिटिकल जो आप गुरु कह सकते हैं, वो कौन होते हैं? सी आर दास, चित्रंजन दास जी जो हैं वो इनके गुरु होते हैं। तो आप समझिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु या मेंटर कौन थे, तो आप कहेंगे कि सी आर दास थे। लेकिन अगर पूछा जाता है कि नेताजी के स्पिरिचुअल गुरु कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद जी हैं। सी आर दास जी के साथ मिलकर इन्होंने जो सी आर दास जी का न्यूज़पेपर था फॉरवर्ड, उसमें भी इन्होंने काम किया, और बाद में अपना स्वराज नाम का न्यूज़पेपर भी पब्लिश करने का काम सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया है। 1923 में, जैसा कि मैंने कहा, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ एसोसिएट हो गए हैं, जुड़ गए हैं, असहयोग आंदोलन में भी गांधी जी की मदद कर रहे हैं। लेकिन असहयोग आंदोलन जब गांधी जी वापस ले लेते हैं तो काफ़ी नाराज़गी इनको भी होती है। सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के। तो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस क्योंकि काफ़ी यंग लीडर हैं, काफ़ी यूथ पर्सन है, तो यूथ को वो प्रोत्साहित कर सकते हैं देश की आज़ादी के लिए। इसलिए ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस जी को 1923 में बनाया जाता है। ठीक है, और फिर ये जुड़े होते किसके साथ? सी आर दास जी के साथ। और सी आर दास जी 1924 में जो कलकत्ता का रीजन होता है वहाँ के मेयर होते हैं। कलकत्ता रीजन के मेयर जो हैं वो कौन होते हैं? सी आर दास जी होते हैं 1924 में, और सीईओ ऑफ द कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरह ये सर्व करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उनको यहाँ पर जेल में डाल दिया जाता है। तो जो नेताजी की कहानी रही है, नेताजी कई बार, लगभग 10-11 बार जो है वो जेल में गए हैं, फिर उन्होंने छोड़ा है, फिर वो जेल में गए हैं। तो नेताजी को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि यूथ को इकट्ठा कर सकते हैं, इनमें पावर है, एक ब्यूरोक्रेट है, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, और अंग्रेज भी इनसे डरते हैं, इसलिए इन्हें मांडले जेल में डाल दिया जाता है। मांडले जेल की स्थिति आपने समझी होगी, आपने पुरानी कहानियों में भी सुनी होगी कि मांडले जेल की हालत काफ़ी ख़राब है। वहाँ पर मॉस्किटोज हैं, बिल्कुल अच्छी लाइफ नहीं है, बहुत ज़्यादा चूहे हैं, खाना अच्छा नहीं होता, और जितने भी लीडर्स को वहाँ पर अंग्रेज भेजते हैं तो जनरली उन लीडर्स को कोई ना कोई बीमारी वहाँ से लग ही जाती है। तो सुभाष चंद्र बोस जी को जब 1925 में मांडले जेल में रखा जाता है तो इन्हें टीवी हो जाता है। कौन सी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं नेताजी? तो टीवी हो जाता है इनको मांडले जेल में। उसके बाद इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है, जेल से इन्हें रिहा कर दिया जाता है। 1927 में ये वापस से जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब आता है 1928 का कांग्रेस का सेशन। तो 1928 में कांग्रेस का सेशन होता है, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है, जो कि मोतीलाल नेहरू जी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फादर होते हैं। तो जो नेहरू रिपोर्ट है साइमन कमीशन के बाद वो आती है। तो नेहरू रिपोर्ट में बात की जाती है एक डोमिनो स्टेटस देने की, भारत को एक डोमिनो स्टेटस देने की बात उस नेहरू रिपोर्ट में की जाती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि काफ़ी सारे लीडर उनकी बातों से सहमत भी हो जाते हैं, लेकिन नेताजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होते कि भारत को एक डोमिनो स्टेटस मिलना चाहिए। हम तो कंप्लीट फ्रीडम की डिमांड करते हैं, हम भारत को स्वतंत्र कराना चाहते हैं, और एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में हम भारत को देखते हैं। तो मोतीलाल नेहरू जी की जो नेहरू रिपोर्ट आती है उसको अस्वीकार कर दिया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा और स्वामी विवेकानंद सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, तो ये 1928 की घटना होती है। अब 1930 में सिविल डिसोबियंट मूवमेंट, जिसको हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, जब गांधी जी दांडी मार्च करते हैं, दांडी मार्च करके नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं और सिविल डिसोबियंट मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। तो इसमें कलकत्ता के रीज़न से, कलकत्ता का जो, क्योंकि इनका होम टाउन है, वो वहाँ के लोग इनसे फैमिलियर हैं, इनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, और यूथ इनके साथ कनेक्ट होता है, इसलिए कलकत्ता के रीज़न की जो पूरी जिम्मेदारी थी वो सुभाष चंद्र बोस जी को दी जाती है। लेकिन आपको पता है, कोई भी आंदोलन शुरू होता है, जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं तो बड़ा जो लीडर होता है, जो बड़ा जो फेस होता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अगेन यहाँ पर नेताजी को अरेस्ट कर लिया जाता है, अगेन 1930 में नेताजी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जेल में रहने होते हुए भी ये जो कलकत्ता के मेयर होते हैं उसका पर्चा भरते हैं। कलकत्ता के जो मेयर का पर्चा होते हैं वो 1930 में जेल के अंदर से ही भरते हैं, और जैसे ही जेल से रिहा होते हैं, इनकी पॉपुलरिटी इतनी ज़्यादा है, लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं, इनकी बातों को इतना समझते हैं और मानते हैं कि 1931 में जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद ये कलकत्ता के मेयर भी बन जाते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और एड ऑन करना चाहती हूँ मैं यहाँ पे। जब 1925 में ये मांडले की जेल में थे, उसके बाद जब जेल से रिहा होते, एक तो जेल में डाल दिया, जेल में रहने के बाद टीवी के कॉन्टेक्ट में आ गए, और जब ये जेल में होते हैं तो इनके जो पॉलिटिकल गुरु या इनके जो मेंटर हैं सी आर दास जी, उनका भी निधन हो जाता है। तो सी आर दास जी का निधन जो है वो 1925 में आप देखेंगे
ही उनका निधन हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये दोहरा झटका आप कह सकते हैं कि नेताजी को यहाँ पर लगता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारे देश में चल रहा होता है उस समय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में मुलाकात होती है, और जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही होती है और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी या कांग्रेस का कोई लीडर वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसके कारण यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना जाने के कारण गांधी इरविन पैक्ट होता है। और उस गांधी इरविन पैक्ट के अंतर्गत गांधी जी कहते हैं कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं, है ना, जिनका हिंसा में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उनको रिहा कर दो। तो 1931 में जो है वो नेताजी को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन भगत सिंह जी को रिहा नहीं करवाया जाता है और उनको फांसी हो जाती है, जिस बात का अपोज नेताजी जेल से निकलने के बाद करते हैं। तो आपने देख लिया कि कलकत्ता के मेयर बन गए हैं और यहाँ पर गांधी जी के अगेंस्ट भी वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी और नेताजी की कभी भी जो विचारधारा है, जो थिंकिंग है, कभी भी मैच नहीं हुई। वो हमेशा कहते थे, नेताजी हमेशा कहते थे कि हम दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं, हम दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन हम दोनों का उद्देश्य एक है कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। तो हमेशा आप देखेंगे गांधी जी का और नेताजी का जो है हमेशा आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। इतनी चीज़ें हमको क्लियर हुई। अब देखिएगा 1931 में ये जेल से भी आ चुके हैं, लेकिन होता क्या है, अब इनको टीवी की बीमारी है ना, टीवी की बीमारी, तो इलाज कराने के लिए इनके पेरेंट्स जो हैं वो इनको यूरोप भेज देते हैं। तो ये इलाज कराने के लिए चले गए। तो मैं आपको बता दूं 1933 से लेके आप देखेंगे 1936 तक ये आपको यूरोप में मिलेंगे जब वो अपना टीवी का इलाज करा रहे हैं। ठीक है, टीवी का इलाज करा रहे हैं। वहीं 1934 में इनकी जो मुलाकात है वो एमिली से होती है, जो कि इनकी वाइफ भी हैं, जिनसे उनकी शादी होती है। और आज आप अनीता बोस जो बात सुनते हैं, अनीता बोस इनकी बेटी हैं, इनकी डॉटर है। क्लियर है? तो इलाज करा के आते हैं, लेकिन इलाज करा के आने के बाद भी इनकी पॉपुलरिटी तो कम नहीं होती। इतने समय देश से बाहर रहने के बाद भी जो यूथ है वो इनके साथ कनेक्ट है। तो जैसे ये फिर कांग्रेस में वापस आके जुड़ते हैं, और 1938 में, याद रखेंगे 1938 वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 1938 में जब कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस होती है, हरिपुरा कांग्रेस सेशन, जो कि गुजरात में है, तो इस हरिपुरा कांग्रेस सेशन के जो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं वो नेताजी को बनाया जाता है। ठीक है, नेताजी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट यहाँ पर बना दिया जाता है। और उस उस सेशन में ये बात करते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी की, ये बोलते हैं कि एक सेना हमें बनानी चाहिए, एक संगठन हमें बनाना चाहिए। जैसे ही सेना की बात करते हैं वहाँ पे गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं कि भाई आप तो हिंसा की बात कर रहे हो, हम तो अहिंसात्मक तरीके से ही देश को आज़ाद कराएंगे, आप सेना और संगठन की बातें ना करो। तो इस तरीके से एक और मुठभेड़ आपको नेताजी के बीच में और महात्मा गांधी जी के बीच में देखने को मिलती है। तो याद रखेंगे कि हरिपुरा जो कांग्रेस का सेशन होता है 1938 में, उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया जाता है। ठीक है, 1939 में त्रिपुरी जो कि आज वर्तमान में अब जबलपुर को देखेंगे, तो त्रिपुरी में कांग्रेस का सेशन 1939 में होता है, और इसमें अगेन जो सुभाष चंद्र बोस जी होते हैं वो इलेक्शन को जीत जाते हैं। अब यहाँ पे जो 1939 का इलेक्शन हुआ होता है वो सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी के कैंडिडेट होते हैं पट्टाभी सीतारमैया, उन दोनों लोगों के बीच में होता है। तो पट्टाभी सीतारमैया जी की हार होती है और नेताजी जो है वो जीत जाते हैं। तो गांधी जी से अपनी पर्सनल या व्यक्तिगत हार समझते हैं और वो काफ़ी नाराज़ भी हो जाते हैं, जिसके चलते ये जो कांग्रेस का सेशन हो रहा होता है त्रिपुरी कांग्रेस का सेशन, तो उसका जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रेसिडेंट होते हैं नेताजी, वो इस्तीफा देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं और प्रेसिडेंट के पद को छोड़ देते हैं। उनके प्रेसिडेंट के पद को छोड़ने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1939 के त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस का जो है वो लीडर या प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो याद रखेंगे ये त्रिपुरी क्राइसिस कहलाता है, त्रिपुरी संकट कहलाता है, जिसके बाद नेताजी कांग्रेस से अलग हो गए हैं और इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है। ठीक है, तो नेताजी ने कांग्रेस से अलग होने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किया था, इस बात को आपको समझना होगा। 1939 में जो कांग्रेस का त्रिपुरी सेशन होता है उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, नेताजी होते हैं, लेकिन किसे हराते हैं, महात्मा गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को हराते हैं, उसके बाद ये पद को छोड़ देते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 1939 के त्रिपुरी सेशन के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। तो फाइनली इन्होंने जो है कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं? ओके, आगे बात करते हैं। 1940 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंडिविजुअल सत्याग्रह, आप लोगों ने सुना होगा सत्याग्रहियों के बारे में, विनोबा भावे जी के बारे में, हम उनकी भी बायोग्राफी आगे
आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। तो जब यहाँ पे कांग्रेस का इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा होता है तो उसी समय सुभाष चंद्र बोस जी एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस रामगढ़ बिहार में कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, अब देखिएगा होता क्या है, जो भी एक्टिविटी वर्ल्ड में होती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत में पड़ता है, क्योंकि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब समय आ रहा है तो ब्रिटिशर्स चाहेंगे कि जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको जेल में ही रखा जाए, क्योंकि भारत के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि भारत के जो लीडर हैं वो जनता को आक्रोशित करें या सेना को हमारे अगेंस्ट कर दें, जिससे हम वर्ल्ड वॉर को हार जाए। तो जब भी वर्ल्ड वॉर वन की कंडीशन थी तब भी लीडर्स को अरेस्ट किया था, अभी वर्ल्ड वॉर टू की कंडीशन आ रही तो यहाँ भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करने का काम शुरू हो जाता है। तो वापस से नेताजी को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज होने लगती, तबीयत खराब होने के कारण उन्हें हाउस अरेस्ट कर देते हैं। मतलब आप घर पे रहो, घर के बाद हमारे ब्रिटिश सेना के लोग रहेंगे लेकिन आप घर से निकलने तो आपको देंगे नहीं। तो बिल्कुल इन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन नेताजी तो गुमनामी बाबा ऐसे ही नहीं बोलते हैं इन्हें। तो नेताजी बिल्कुल प्लान करते हैं कि मुझे तो यहाँ से जाना है और मुझे यहाँ से जाके जर्मनी की मदद लेनी है, क्योंकि ब्रिटेन के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन लड़ रहा था, जर्मनी लड़ रहा था। जर्मनी में भी कौन, एडोल्फ हिटलर। तो हिटलर के पास इनका इनको पहुंचना होता है, ये इनका टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। तो नेताजी अपने घर से, मतलब ऐसा है कि अपने घर से वो रूप बदल के बाहर निकल जाते हैं और 8-10 दिन हो जाते हैं, ब्रिटिशर्स को पता ही नहीं होता है कि नेताजी घर के अंदर है या नहीं है। तो 1941 में नेताजी प्लान बनाते हैं और नेताजी जो है वो कहाँ जाना चाहते हैं, बर्लिन जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं, और वहाँ पर जाके जो हिटलर है उनकी मदद से ब्रिटेन सेना के खिलाफ अपनी आर्मी तैयार करेंगे और ब्रिटेन सेना के खिलाफ वो लड़ाई करना चाहते हैं। तो अब कैसे जाएंगे जर्मनी तक, तो नेताजी कलकत्ता में हैं, तो कलकत्ता से वो कहाँ जाएंगे, पेशावर। पेशावर मतलब वर्तमान का आपका पाकिस्तान। तो कलकत्ता से कहाँ गए, कलकत्ता से गए पेशावर। पेशावर से कहाँ जाएंगे, काबुल जाएंगे, पेशावर और काबुल से होते हुए यहाँ पे मॉस्को जाएंगे। ठीक है, और मॉस्को से फिर कहाँ पहुँचेंगे, बर्लिन पहुँचेंगे। ठीक है, अगर आप इनकी यात्रा देखना चाहो तो पहले हम इस मैप के ज़रिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये भारत का मैप है, यहाँ पे कलकत्ता में नेताजी हाउस अरेस्ट है। अब नेताजी को यहाँ से पहुँचना है कहाँ पर, जर्मनी। जर्मनी मतलब यहाँ पर बर्लिन में पहुँचना है। तो नेताजी यहाँ देखिए काबुल पहुँचेंगे, काबुल से अफगानिस्तान मतलब पेशावर और काबुल पाकिस्तान, और यहाँ से आप देखेंगे मॉस्को, मॉस्को से आप देखेंगे बर्लिन मतलब जर्मनी तक पहुँचते हैं। और यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि अब हिटलर एकदम फ्री बैठा होगा कि नेताजी आएंगे, नेताजी से मुलाकात करेंगे, वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिजी है। अब वो जो समय नेताजी को मिला है तो नेताजी सोच रहे हैं कि क्यों ना, क्योंकि उस समय भी जो ब्रिटेन की सेना थी, उस ब्रिटेन की सेना में मैक्सिमम कौन थे, इंडियन ही थे, इंडियन सोल्जर्स ही थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे 3-4 हज़ार जो इंडियन सोल्जर्स थे जो कि ब्रिटेन की सेना के लिए लड़ रहे थे, उन सबको कलेक्ट करने का काम किया, और जो जेल में कैदी थे उन सबको कलेक्ट करके उन लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप एक काम कीजिए, ब्रिटेन के खिलाफ लड़िए, मतलब भारत को आज़ाद कराने के लिए आप लड़ लिए। इस तरीके से लोगों को इकट्ठा करने का काम नेताजी ने जर्मनी में किया। ठीक है, इसलिए इंडियन जो सोल्जर्स थे जर्मनी में, उन्होंने ही जर्मनी में 1942 में नेताजी टाइटल दिया। तो आज जो हम कहते हैं ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो ये जो नेताजी टाइटल है बेसिकली वो जर्मनी में इंडियन सोल्जर्स के द्वारा इन्हें दिया गया था। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इनकी मुलाकात फाइनली किससे होती है, हिटलर से होती है। तो हिटलर बिल्कुल इनकी मदद करते हैं लेकिन कहते हैं कि अगर आप जापान जाएंगे, क्योंकि उस समय जापान बहुत पावरफुल था और ब्रिटेन लगातार जापान से हार रहा था, और जापान लगातार ब्रिटेन की सेना को हराने का काम कर रहा था। उसने अंडमान निकोबार के आइलैंड, सिंगापुर, आपका जावा सुमात्रा इंडोनेशिया का एरिया, इन सब पे कब्जा किसका हो चुका था, जापान का हो चुका था। तो जापान एक बहुत पावरफुल नेशन बन चुका था उस समय तक। तो हिटलर ने बोला अगर आप जापान जाएंगे तो जापान की मदद लीजिए, जापान आपकी ज़्यादा अच्छे से मदद कर सकेगा आपके देश को आज़ाद कराने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ से एडोल्फ हिटलर जो है नेताजी को कहाँ भेजने की प्लानिंग करते हैं, जापान भेजने की प्लानिंग करते हैं। और जापान कैसे भेजेंगे, तो सबमरीन से, जो पनडुब्बी होती है ना, पनडुब्बी से हिटलर की सहायता से नेताजी मेडागास्कर पहुँचते हैं। मेडागास्कर मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ऊपर मैं चर्चा कर रही। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वही रास्ता है जो वास्को डी गामा ने भी फॉलो किया था।
आपको दिख रहा है ना ये अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए, तो इसी रास्ते से सबमरीन से मेडागास्कर तक पहुंचते हैं और हिटलर उन्हें सबमरीन प्रोवाइड कराता है। तो मेडागास्कर पहुंचे, मेडागास्कर में जापान की जो है वो सबमरीन आ जाती है, तो जो नेताजी हैं वो जापान की सबमरीन में बैठते हैं और फिर चले जाते हैं कहाँ पर, जापान। तो इस तरीके से जापान तक की यात्रा जो है वो नेताजी तय करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, अब जर्मनी में एक और काम करते हैं नेताजी, जर्मनी में एक फ्री इंडिया सेंटर और फ्री इंडिया रेडियो की शुरुआत करते हैं। उस फ्री इंडिया रेडियो में, जिसको आज़ाद हिंद रेडियो भी बोला जाता है, उसमें इंग्लिश के अलावा 7 अलग अलग भाषाएं, जैसे कि हिंदी, उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पर्शियन और पोस्तो लैंग्वेज में जो है वो प्रचार करते हैं, अपना भाषण देते हैं और जो सोल्जर्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनको इनकरेज करने का काम करते हैं कि किस तरीके से हमें अपने देश के लिए लड़ना है और अपने देश को आज़ादी दिलानी है। तो आपको याद रखना है कि 1942 में जर्मनी से आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की गई थी। बाद में इसका हेड ऑफिस जो है वो सिंगापुर में ट्रांसफ़र किया गया और फिर सिंगापुर से इस रेडियो स्टेशन को म्यांमार भी, मतलब वर्तमान का म्यांमार, उस समय का वर्मा था, वहाँ भी इस रेडियो स्टेशन को ट्रांसफ़र करने का काम किया था। हिटलर ने, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि नेताजी की मदद की थी, और U-180 वो जर्मनी सबमरीन है जिसकी मदद से मेडागास्कर तक नेताजी पहुँचे थे। फिर वहाँ पर जापान की सबमरीन आ जाती जिसका नाम है I-29 और फिर ये जापान की ओर रवाना हो जाते हैं। क्लियर? अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत बर्लिन जर्मनी में 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। एक ही एजेंडा था यहाँ पे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक टूल तैयार करना, एक सेना तैयार करना। और पहली जो ब्रॉडकास्टिंग हुई थी वो 7 जनवरी को 1942 में हुई थी। 7 जनवरी 1942 को जो आज़ाद हिंद रेडियो है बर्लिन से पहली ब्रॉडकास्टिंग की गई थी। बाद में इसका हेड ऑफिस सिंगापुर भेजा गया। और सिंगापुर में मैं बात करती हूँ, यहाँ पर सिंगापुर में ये दिनांक याद रखेंगे, 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं, नेताजी कहते हैं, राष्ट्रपिता, मतलब फादर ऑफ नेशन। तो पहली बार जो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा या फादर ऑफ नेशन कहा है वो किसने कहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया है। वो अपने रेडियो के भाषण में, स्पीच में कहते हैं कि फादर ऑफ नेशन या फिर राष्ट्रपिता, आज़ादी की अंतिम लड़ाई में आपका आशीर्वाद चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई यहाँ पे मतभेद नहीं है, दोनों की आइडियोलॉजी का डिफरेंस ज़रूर है लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है कि दोनों लोग देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। तो इस दिनांक को आपको याद रखना है, 6 जुलाई 1944, ठीक है। इस पूरी यात्रा में, मतलब वो कलकत्ता से पेशावर गए, काबुल गए, मॉस्को गए, फिर बर्लिन, बर्लिन से मेडागास्कर, मेडागास्कर से जापान, ये जो पूरी यात्रा नेताजी के द्वारा की गई है, इन्होंने बार बार अपना नाम बदलते हुए किए, शायद इसलिए गुमनामी बाबा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 3 बार इन्होंने अलग अलग आइडेंटिटी से, अलग अलग नामों से अपनी यात्रा दी है, जैसे कि जियाउद्दीन अफगान में इन्होंने अपना नाम रखा था और उस तरीके से पठानी कपड़ों को धारण किया था। अगला नाम आप देखेंगे मजोटा, इटालियन नाम है। फिर है मैटसुडा, जैपनीज नाम है। तो अलग अलग नामों से इन्होंने यात्रा की है। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें? अब बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की, क्योंकि जापान पहुंच गए हैं, सिंगापुर पहुंच चुके हैं नेताजी, और सिंगापुर जो है वो किसके कब्ज़े में है? जापान के कब्ज़े में है, ठीक है। अब यहाँ पर अगली कहानी शुरू होती है, आइए उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था कि काफ़ी सारे, चाहे वो ब्रिटेन की आर्मी हो, अलग अलग जगहों पर ब्रिटेन की सेना लड़ाई कर रही हो, कहीं पर भी उस सेना में आपको भारतीय ज़रूर मिलेंगे। तो वैसे ही ब्रिटेन की सेना में एक भारतीय थे जिनका नाम था मोहन सिंह। इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत जो है वो किसने की थी? मोहन सिंह के द्वारा की गई थी, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा ही यहाँ पर शुरुआत की गई थी। जब उनको जापानीज एक मेजर थे जिनका नाम था इविची फ्यूजीवारा, उन्होंने कहा कि आप अपने देश के लिए लड़िए, आप ब्रिटेन की सहायता क्यों कर रहे हैं, आप अपनी आर्मी बनाइए, अपनी सेना बनाइए और अपने देश के लिए लड़िए, अपने देश को आज़ाद कराइए। तो उनकी बातों से प्रभावित होकर मोहन सिंह जी के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन इन्होंने कैसे किया? जो भी इंडियन सोल्जर्स हैं, जो कि बंदी हैं, कैदी हैं, उन सब के जरिए INA का फॉर्मेशन जो है वो किया गया था। तो उस समय तक बताते हैं लगभग इनकी जो सेना थी उसमें 12,000 से 15,000 लोग तो इकट्ठे हो गए थे, लेकिन इतने कम सैनिकों से तो आप ब्रिटेन की सेना को नहीं हरा सकते, ऐसा मोहन सिंह जी का कहना था। और वो चाहते थे कि और भी लोग जो हैं वो हमारी इंडियन नेशनल आर्मी में को ज्वाइन करें, लेकिन जापान को इस बात से एतराज़ था, यार इस बात की कोई गारंटी नहीं है, आप तो वैसे भी पहले ब्रिटेन की सेना के लिए लड़ रहे थे, हमने बोला तो आप अब
INA बनाने लगे और कल को आपने 2-3 लाख सैनिकों को भर्ती कर लिया और हमारे अगेंस्ट ही लड़ने लगे तो इसका क्या होगा। इसलिए उन्होंने इस बात की परमिशन जो है वो मोहन सिंह जी को नहीं दी और मोहन सिंह जी को वापस से जेल में डाल दिया। मोहन सिंह जी के बाद जो है रस बिहारी बोस, वो उन्होंने INA की कमान को संभाला और उन्होंने INA की कमान को कब तक संभाला, जब तक नेताजी की एंट्री नहीं हो गई। तो नेताजी की एंट्री होती है 1943 में। बोस वेंट टू द जापान आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम जर्मनी, तो जर्मनी का सहयोग उस तरीके से मिल नहीं पाता तो वो जापान जाते हैं और जापान में वो इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन करते हैं, वापस से कमान संभालते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि 70 से 80 हज़ार सैनिक जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी में होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा कंट्रोल इंडियन नेशनल आर्मी का किसके पास आ गया, नेताजी के पास आ गया। तो अगर फाउंडर की बात करें तो मोहन सिंह थे, लेकिन बाद में इसको पुनर्गठन करने का काम या एक्चुअल फाउंडर हम बोले तो वो नेताजी आप कहेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर। वहाँ पर जाके दिल्ली चलो जो बहुत ही फेमस डायलॉग है वो देते हैं, ठीक है, और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की फॉर्मेशन सिंगापुर में करते हैं। 21 अक्टूबर को 1943 में पहली इंतरिम गवर्नमेंट नेताजी बनाते हैं आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। और पूरा उनके दिमाग में एकदम प्लान होता है किस तरीके से हमें युद्ध लड़ना है, ब्रिटेन की आर्मी को पीछे धकेलना है, भारत को आज़ाद कराना है, आज़ाद के बाद कैसे इलेक्शन होंगे, कैसे प्रधानमंत्री होंगे, कैसा देश चलेगा, बिल्कुल उनके दिमाग में सारा कुछ सेट है। ठीक है, तो एक इंतरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन सिंगापुर में नेताजी के द्वारा कर लिया जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन अक्टूबर 21, 1943 तो नेताजी के द्वारा आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की स्थापना की जाती है सिंगापुर में, जो कि एक इंतरिम गवर्नमेंट होती है। इसके बाद जापान जो होता है ना वो अंडमान निकोबार को भी कब्जा कर लेता है और वो ब्रिटेन की सेना से लेकर अंडमान निकोबार को जो है वो नेताजी को दे देते हैं। तो नेताजी का जो अड्डा बन जाता है वो अंडमान और निकोबार बन जाते हैं, जिनको वो शहीद और स्वराज आइलैंड से संबोधित करते हैं। तो शहीद और स्वराज आइलैंड किसे कहा जाता है, तो अंडमान और निकोबार को कहा जाता है और ये नाम नेताजी के द्वारा ही दिया गया था। यहाँ तक कि हमको कहानी समझ में आ गई। अब INA को पुनर्गठन कर लिया, INA में 50,000, 60,000, 70,000 सैनिकों को जोड़ लिया और अलग अलग रेजिमेंट बनाई, जैसे कि गांधी रेजिमेंट या गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और रानी झांसी ब्रिगेड। ठीक है, तो रानी झांसी रेजिमेंट जो कि पहली महिलाओं की एक सेपरेट रेजिमेंट थी INA में, वो नेताजी के द्वारा बनाई गई थी। और इस रेजिमेंट को कौन हेड कर रही थी, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, ठीक है, इस रेजिमेंट को लीड कर रही थी। इस तरीके की एशिया में पहली एक इंडिविजुअल वीमेंस के लिए रेजिमेंट को तैयार किया गया था INA के अंदर। फिर इन्होंने देश को संबोधित करने के साथ साथ, क्योंकि रेडियो से देश को संबोधित करते ही थे, आज़ाद हिंद जो फौज थी उसके साहस को बढ़ाने के लिए इन्होंने स्लोगन दिया था, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। इस तरीके से अपनी सेना को संगठित करते हुए जो कोहिमा इम्फाल का रीज़न है, मतलब आप देखेंगे म्यांमार मतलब रंगून से आप इम्फाल और कोहिमा मतलब नागालैंड मणिपुर का जो रीज़न देखेंगे, वहाँ से उनका प्लान था कि उन वैली से, उन नदियों से, उन घाटियों से हमें गंगा के मैदानों तक जाना है। आप मैप को समझ पा रहे होंगे ना, यहाँ का जो मैप है ये आपका यहाँ से म्यांमार है, यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मिलेंगे जिसमें आपको नागालैंड मणिपुर मिलेगा और यहाँ से इंडियन नेशनल आर्मी को एंटर होना था और एक गंगा के प्लेन तक अपनी सेना को पहुँचाना था और ब्रिटिश आर्मी को हराना था। ठीक है, और ये जो एरिया अगर आप अच्छे से माउंटेन की स्टडी करेंगे तो गारो, खासी, रेशमा, मिकिर, अराकान योमा, कितनी सारी माउंटेन रेंज आपको इस रीजन में मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा वैली रीजन है, नदियां हैं। ठीक है, तो इस रास्ते से, इस दुर्गम रास्ते से INA को एंटर होके गंगा के मैदानों तक जाना था। लेकिन होता क्या है कि मॉनसून जो है वो बहुत पहले आ जाता है और बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने लगती है और बहुत क्रिटिकल हालत यहाँ पर जो है वो INA की हो जाती है। कुछ टुकड़ियाँ ऐसा बताती हैं कुछ बुक, कुछ टुकड़ियाँ, पूरे 70,000 सैनिक नहीं, कुछ टुकड़ियाँ जो है वो गंगा के मैदानों तक पहुँचती भी हैं। लेकिन होता क्या है, अंत में आते आते तक जापान की हालत एकदम टाइट हो जाती है, मतलब अब ब्रिटेन की सेना जीतने लगी है और जापान हारने लगा है, जापान धीरे धीरे हारने लगा है। और देखिएगा, अगर अप्रैल 1945 की बात करते हैं तो जो हिटलर होता है वो सुसाइड कर लेता है, और आप देखते हैं कि अगस्त, आप देखेंगे उसके बाद 1945 में क्या होता है, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है परमाणु बम गिरा दिए जाते हैं, मतलब जापान की बहुत बुरी तरीके से हार होती है। और जापान अब नेताजी को बोलता है, अब हम आपकी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर पाएंगे, बस इतनी मदद कर सकते हैं कि आपको हम वर्मा के रीज़न से या जो
कोहिमा वाला रीजन है, हम उससे आपको बाहर निकाल सकते हैं। इससे अधिक और सहायता हम आपकी जो INA है उसकी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जापान ने भी सरेंडर कर दिया है वहां पर। तो इस तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो अपने टारगेट तक, गंगा के मैदानों तक नहीं पहुंच पाती है, उसके पहले ही उनको प्रॉपर सहयोग ना मिलने के कारण और क्लाइमेट कंडीशन खराब होने के कारण इंडियन नेशनल आर्मी को अब जो है वो सरेंडर करना होता है। ठीक है, तो जापान अपना एक एयरक्राफ्ट भेजता है नेताजी को लेने के लिए, और बताया जाता है कि ताइवान में जो है एक प्लेन क्रैश हो जाता है, और प्लेन क्रैश होने के बाद 1945 में नेताजी का निधन हो जाता है, ऐसी जानकारी हमको मिलती है। अब हम इनकी डेथ पर पहुंचने से पहले एक छोटी सी जानकारी और दे देती हूँ कि INA के द्वारा मणिपुर में 1944 में ट्राई कलर मतलब हमारे तिरंगे को फहराने का काम किया गया था। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से INA जो है वो अपने टारगेट में सफल नहीं हो पाती है, और नेताजी को जो है वो कहना पड़ता है कि हम INA को डिसमिस करते हैं, और फिर INA के बहुत सारे अधिकारी जो होते हैं, जो कह सकते हैं कि रेजिमेंट के लीडर्स होते हैं, उनको अरेस्ट भी किया जाता है। कई सारे लीडर्स पे जो है वो देशद्रोह का मुकदमा होता है, लाल किला मुकदमा आपने पढ़ा होगा, लेकिन जनता का आक्रोश इतना ज़्यादा होता है कि ब्रिटेन गवर्नमेंट को उन सारे कैदियों को रिहा करना पड़ जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब 18 अगस्त 1945 में जो नेताजी होते हैं वो टोक्यो जा रहे होते हैं बाय ताइवान, तो जापान जा रहे होते हैं, और ताइवान के पास इनका प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें इनकी जान चली जाती है। ठीक है, तो नेताजी की जो जान है वो ताइवान में एक प्लेन क्रैश में चली जाती है, ये घटना होती है। लेकिन हमेशा से जो इनकी जो जान गई है या जो प्लेन क्रैश है, हमेशा से एक कॉन्ट्रोवर्सी है, जिसके कारण समय समय पर बहुत सारे कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस बात के इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाए गए हैं। बहुत सारे इंक्वायरी कमीशन को बिठाया गया, जैसे कि शाहनवाज कमेटी 1956 में बनती है, और वो इन्वेस्टिगेशन करती है और कहती है कि हाँ, नेताजी का जो मृत्यु है वो प्लेन क्रैश के कारण ही हुआ था, इस बात को बताती है। उसके बाद एक खोसला कमेटी बनती है, खोसला कमेटी का फॉर्मेशन 1970 में होता है, और ये वही बात कहती है जो कि शाहनवाज कमेटी ने कहा था कि नेताजी का जो मृत्यु है वो प्लेन क्रैश में हुआ है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट पता है कब आता है? जब मुखर्जी कमीशन बनता है 1999 में मुखर्जी कमीशन बनता है, और 2005 में अपनी रिपोर्ट देता है, और वो जाके ताइवान में इन्वेस्टिगेट करता है, पूछता है कि 1945 में क्या आपके यहाँ पर कोई प्लेन क्रैश हुआ था? ताइवान की गवर्नमेंट बोलती है कि 1945 में हमारे यहाँ पर कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। मतलब इस रिपोर्ट में वो बताती है मुखर्जी कमीशन की नेताजी की मृत्यु प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, ये जानकारी मुखर्जी कमीशन से मिलती है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देती। तो आज भी ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है कि नेताजी का निधन कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या प्लेन क्रैश में उनकी जान गई थी। कि कुछ लोग कहते हैं कि गुमनामी बाबा के नाम से उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर देखा भी गया है। सच क्या है वो तो नहीं पता, और हम इस बारे में ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये नेताजी की कहानी थी। नेताजी के इंपॉर्टेंट स्लोगन जैसे कि मैंने बता दिया, जय हिंद, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, दिल्ली चलो, ये सब जो स्लोगन है, नारे, वो नेताजी ने कहे हैं। अब INA के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का उपयोग भी किया गया है, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन है वो नेताजी का नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद जो स्लोगन है ये मौलाना हसरत मोहनी का है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है, इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर, तो ये पूरी बायोग्राफी थी नेताजी की, और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को आप इस लिस्ट के ज़रिए समझ सकते हैं कि किस तरीके से 1919 में इन्होंने सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स को दिए थे, सिविल सर्विस का पेपर क्रैक किया था, लेकिन 1921 में इन्होंने जॉब ज्वाइन करने से मना कर दिया, वापस भारत आ गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद 1923 में नेताजी जो है वो प्रेसिडेंट बन गए ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के, लेकिन उसके बाद इन्हें मांडले जेल में डाला गया। मांडले जेल में जाने के बाद इनको टीवी हो जाती है, और उस समय उनके जो मेंटर होते हैं CR दास, उनका निधन हो जाता है। ये बातें हमने की। फिर 1930 में ये मेयर बन जाते हैं कैलकटा के, इस बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। 1938 का हरिपुरा का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? नेताजी होते हैं। 1939 में भी प्रेसिडेंट नेताजी को चुना जाता है, लेकिन त्रिपुरी क्राइसिस के कारण नेताजी इस्तीफा दे देते हैं, और इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बाद आपको पता है 1940 के आसपास नेताजी को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है, उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाता है, और नेताजी घर से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो कलकत्ता से पेशावर, काबुल, बर्लिन, फिर जापान पहुंचते हैं, ये उनकी पूरी यात्रा होती है। और फिर इस तरीके से नेताजी जो हैं INA के साथ जुड़ जाते हैं और देश को आज़ाद कराने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये यात्रा आपको पूरी समझ में आई नेताजी की।
अब बात करते हैं कुछ एमसीक्यू के बारे में। पहला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद रेडियो सर्विस की शुरुआत कब की गई थी? तो नेताजी ने आज़ाद हिंद रेडियो सर्विसेज की शुरुआत 1942 में की थी। कब की थी? 1942 में शुरुआत की गई थी। कहाँ से? बर्लिन से, जर्मनी से शुरुआत की गई थी। ठीक है, बाद में सिंगापुर इसका हेड ऑफिस शिफ्ट किया और फिर रंगून मतलब आप म्यांमार, जो आज म्यांमार है, उस समय वर्मा था, वर्मा की कैपिटल रंगून थी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, हु वॉज चूजन अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग री इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ INC एट त्रिपुरी सेशन इन 1939। तो 1939 में जो त्रिपुरी इलेक्शन होते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के बाद री इलेक्ट किसे किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे री इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ INC, पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ ये चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, किसके अगेंस्ट लड़ते हैं? पट्टाभी सीतारमैया जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट है, वॉट डिज सुभाष चंद्र बोस नेम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो अंडमान निकोबार को आइलैंड को क्या नाम दिया था? तो शहीद और स्वराज आइलैंड नाम दिया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं, रानी झांसी रेजिमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट वॉज अ वीमेन ओनली रेजिमेंट ऑफ INA, बिल्कुल एकमात्र महिलाओं के लिए रेजिमेंट था इंडियन नेशनल आर्मी में। इसकी जो कैप्टन थी वो लक्ष्मी स्वामीनाथन थी, जिनको लक्ष्मी सहगल के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सुभाष चंद्र बोस? इनका जन्म 23 जन 1897 में कटक में होता है। ही क्वालिफाई फॉर द सिविल सर्विसेज बट लेफ्ट द जॉब। ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहला स्टेटमेंट सही है, कटक में जन्म हुआ इनका, इंडियन सिविल सर्विस को क्वालिफाई किया लेकिन ज्वाइन नहीं किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट देखो, इसमें लिखा कि नॉट अ मेंबर ऑफ INC। अगर INC के मेंबर नहीं होते तो क्या हरिपुरा सेशन में प्रेसिडेंट बनते? नहीं बनते। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कब इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो जब 1939 के इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन के बाद जब इन्होंने INC को छोड़ दिया था, उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन विच सिटी नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम प्रेजेंट? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम कहाँ पर है? तो ये म्यूजियम आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इज डेडिकेटेड टू नेताजी? तो नेताजी को रविन्द्रनाथ जी का कौन सा वर्क यहाँ पर डेडिकेट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तशहीर देश, ऑप्शन सी। तशहीर देश द लैंड ऑफ कार्ड्स एक बंगाली प्ले है जो कि लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और डेडिकेट किसको किया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को डेडिकेट किया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुभाष चंद्र बोस इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला है, ही रोट द इंडियन स्ट्रगल, स्वामी विवेकानंद वॉज हिज पॉलिटिकल गुरु, हिज फॉर्म द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो देखिएगा, पॉलिटिकल गुरु मैंने आपको बताया CR दास जी थे, ना कि स्वामी विवेकानंद। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि नेताजी जो है, इन्हें गांधी जी के द्वारा प्रिंस अमंग पेट्रियट्स बाय गांधी ये कहा गया है गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज इन्वॉल्व विद द INA? कौन से लीडर INA के साथ इन्वॉल्व थे? तो रस बिहारी बोस बिल्कुल थे, जनरल मोहन सिंह थे, और नेताजी तो थे ही, तो तीनों यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच पार्टी वॉज सेटअप बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही केम आउट ऑफ INC? कौन सी पार्टी बनाई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑन April 12, 1944 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस टाउन में या किस स्टेट में इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया था? चार ऑप्शन है, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा। ओके, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ नए हिस्टोरिकल फिगर के साथ आने वाले सेशन में हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर।